नमस्कार, आप सभी का स्वागत है बीकॉम पार्ट सेकंड एएफएम पेपर फर्स्ट के पार्ट 16 में। आज हम आप ही की बुक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एमआर अग्रवाल के पेज संख्या 4.62 पे अंकित उदाहरण 50 नंबर उदाहरण गैर निगमीय कंपनियों के गैर निगमीय संस्थाओं के लेखों को किस प्रकार से पूरा किया जाता है, ती की सूचनाओं के आधार पर अपूर्ण सूचनाओं को किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, उसके बारे में उदाहरण सहित समझेंगे। मैं उदाहरण पढ़ रहा हूँ आपके सामने और मैंने इसके स्क्रीनशॉट जो है आपको शेयर किए हैं और आप उससे पहले पूरा क्वेश्चन नोट कर सकते हैं और मेरे साथ साथ भी नोट कर सकते हैं ताकि आपको इसको समझने में और अधिक आसानी हो। तो उदाहरण इस प्रकार है, 50 नंबर एग्जांपल है। नीचे दिए गए समंकों का प्रयोग करते हुए श्री राज जिंदल का 31 मार्च 2016 का चिट्ठा बनाइए। यूजिंग द फॉलोइंग डेटा कंप्लीट द बैलेंस शीट ऑफ श्री राज बिंदल एज एट 31 मार्च 2016। ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑफ सेल्स। ग्रॉस प्रॉफिट इज ₹1,20,000। तो जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपके दिमाग में कैलकुलेशंस भी चलनी चाहिए। जैसे इसने बताया कि ग्रॉस प्रॉफिट जो है 25% ऑफ सेल्स है और ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000 है, तो इम्प्लाइड सी बात है कि सेल्स जो है वो कितनी हो जाएगी। 1,20,000 में भाग दोगे आप 25 का और गुणा करेंगे 100 से, तो 4,80,000 अपना सेल्स हो जाएगा, ग्रॉस सेल्स। फिर है शेयर होल्डर्स इक्विटी ₹20,000। क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स है 80%। सेल्स अपन ने निकाल लिया और क्रेडिट सेल्स जो है 80% है, तो टोटल सेल्स 4,80,000 है, तो क्रेडिट सेल्स 4,80,000 का 80% 3,84,000 हो जाएगा और कैश सेल्स 20% हो जाएगा ₹96,000। तो जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वैसे वैसे आपके दिमाग में सॉल्यूशन रहना चाहिए। टोटल टर्नओवर टू टोटल एसेट्स 4 times है, मतलब टोटल जो सेल्स है उससे टोटल एसेट्स का जो रेशियो बैठता है वो 4 times बैठता है, मतलब टोटल टर्नओवर टोटल एसेट्स का 4 times है। तो इस तरह से टोटल एसेट्स जो है वो 1,20,000 होगी। कॉस्ट ऑफ सेल्स टू टर्नओवर 10 times है। इन्वेंट्री 10 times है, तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो गिवन है 10 times। और इस तरह से एवरेज कलेक्शन पीरियड 5 days, अज्यूम 365 days इन अ ईयर। लॉन्ग टर्म डेप्ट 7 बताया आपको और करंट रेशियो 1.5 एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स 60,000 बताया है। तो ये सब चीज़ें आपको क्वेश्चन के अंदर दी हुई हैं जिनको पढ़ कर के मैंने आपको सुनाया है। क्रेडिट सेल्स टू टोटल सेल्स 80%, टोटल टर्नओवर टू टोटल एसेट्स 4 times, कॉस्ट ऑफ सेल्स टू टोटल इन्वेंट्री 10 times, एवरेज कलेक्शन पीरियड 5 days, एज्यूम 365 days इन अ ईयर, लॉन्ग टर्म डेप्ट 7 times, करंट रेशियो 1.5:1 इम्प्लाइड है, सन्ड्री क्रेडिटर्स 60,000 है। आपको बैलेंस शीट में निम्न चीज़ों को चाहा गया है जिसके बारे में आपको बताया गया है। सन्ड्री क्रेडिटर्स, लॉन्ग टर्म डेप्ट्स बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा, बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा, कैपिटल आपसे पूछा है। दूसरी तरफ एसेट साइड में आपको कैश, डेटर्स, इन्वेंट्री और फिक्स एसेट्स को पूछा गया है। तो सबसे पहले इनके वर्किंग नोट्स को सॉल्व करते हैं। जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ता है वैसे वैसे हमें भी आगे बढ़ते हुए जाना है। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कैलकुलेशन ऑफ सेल्स,
इट इज़ गिवन दैट ग्रॉस प्रॉफिट इज 25% ऑफ सेल्स. इट मीन्स व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट इज रुपीज 25, देन सेल्स विल बी 100. व्हेन ग्रॉस प्रॉफिट इज रुपीज 1,20,000, देन सेल्स विल बी 1,20,000 अपॉन 25 मल्टीप्लाइड बाई 100 इज इक्वल टू 4,80,000. ये मैंने आपको अभी बताया था कि 4,80,000 रुपये आपका विक्रय होगा, क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25% है और ग्रॉस प्रॉफिट 1,20,000 है. तो 1,20,000 में 25 का भाग दोगे, गुणा करेंगे 100 से, तो 4,80,000 आएगा. इसी प्रकार से क्रेडिट सेल्स है 4,80,000 का 80%, 3,84,000, और कैश सेल्स है 4,80,000 का 20%, 96,000 रुपये. ये चीज़ें आपको फर्स्ट पॉइंट कैलकुलेशन ऑफ सेल्स में हमें ज्ञात होती हैं. इसी प्रकार से कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो हमें बताया है कि कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड इन्वेंट्री का 10 टाइम्स है और हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालने के लिए जो फॉर्मूला है उसका यूज़ करना पड़ेगा, सेल्स माइनस जीपी. सेल्स में से अगर आप जीपी घटा देते हैं तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड हमें मिल जाता है, और सेल्स जो है वो 4,80,000 है और ग्रॉस प्रॉफिट जो है वो 25% है. तो 25% 4,80,000 में से लेस करोगे आप तो 3,60,000 अपना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आएगा. इस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड पर हम इन्वेंट्री को कैलकुलेट कर सकते हैं, और इन्वेंट्री जो है वह 10 टाइम्स है, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का 10 टाइम्स है. तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बटा इन्वेंट्री, और तो वो अपने को 10 टाइम बताया. तो वाइस वर्सा आपको जो है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में 10 का भाग लगेगा, तो 3,60,000 में भाग देंगे 10 का, तो 36,000 अपना इन्वेंट्री आएगा. इट इज़ एज्यूम दैट कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड डज नॉट इंक्लूड एनी सेलिंग एक्सपेंसेस और वेजेस और ओवरहेड. किसी तरह का कोई वेज जो है या सेलिंग ओवरहेड है वो इसके अंदर शामिल नहीं है, ऐसा माना गया है. ये आपको स्लाइड में दिखाई दे रहा है, आप आराम से इनको अपनी नोटबुक में नोट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट में आपको कैलकुलेशन ऑफ टोटल एसेट्स ज्ञात करना है. टोटल एसेट्स का अपने को दिया हुआ है, टोटल एसेट्स टर्नओवर, टोटल टर्नओवर टू टोटल एसेट्स इज इक्वल टू 4 times. टोटल एसेट्स नीचे आएगा और टोटल टर्नओवर ऊपर आएगा, और 4 times जो है आपका बराबर में आएगा. वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है आपको, तो टोटल टर्नओवर में आपको 4 का भाग दे करके टोटल एसेट्स कैलकुलेट करना है. टोटल टर्नओवर माने टोटल सेल्स जो है वो 4,80,000 है, इसमें 4 का भाग दिया तो 1,20,000 हमें मिलेगा. फिर है कैलकुलेशन ऑफ करंट एसेट्स. करंट एसेट्स कैलकुलेट कर रहे हैं, इसके लिए अपने को करंट रेशियो दिया गया है, और करंट रेशियो का जो फॉर्मूला है 1.5:1 है. तो यहाँ पर जो 1.5:1 है, अब इसको बराबर करने के लिए आपको करंट लायबिलिटीज़ को 1.5 से गुणा करना है और करंट एसेट्स को 1 से गुणा करना है. वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली सी बात है. तो यहाँ पर आपने करंट एसेट्स 60,000 जो है उसको गुणा किया है 1.5 से. तो यहाँ पर अपने को जो करंट लायबिलिटीज़ है उसके नाम पे केवल 60,000 दिया हुआ था, क्रेडिटर्स दिया हुआ था 60,000, इसलिए अपन ने 60,000 को गुणा किया है 1.5 से, तो 90,000 आया. अपन ने करंट जो लायबिलिटीज़ है वो केवल क्रेडिटर्स है, और क्रेडिटर्स जो है वो केवल 60,000 रुपये हैं, इसलिए अपन ने करंट एसेट्स को कैलकुलेट करने के लिए 1.5 से इसको मल्टीप्लाई किया है. फिर है एवरेज कलेक्शन पीरियड 5 days बताया आपको. तो डेटर्स कलेक्शन पीरियड इज इक्वल टू क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स गुणा नंबर ऑफ डेज और मंथ इन अ ईयर. वही क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्रेडिट सेल्स के नीचे आपका नंबर ऑफ डेज और मंथ आ जाएगा, और जो टर्नओवर दिया है या कलेक्शन पीरियड दिया 5 days वो गुणा में आ जाएगा.
इस प्रकार से 384,000 में भाग देंगे आप 365 का और गुणा करेंगे 5 से, तो 5,260 रुपये अप्रॉक्स डेटर्स आएंगे। फिर है कैलकुलेशन ऑफ कैश। कैश के लिए हमें करंट एसेट्स कैलकुलेट की थी 90,000, उसमें से डेटर्स और इन्वेंट्री घटा देंगे। डेटर्स जो अभी ऊपर कैलकुलेट किए थे, इन्वेंट्री जो उससे भी ऊपर कैलकुलेट किया था अपन ने, उनको आप घटा देंगे तो हमें जो है कैश पता लग जाएगा और कैश अपना आ जाएगा 48,740 रुपये बैलेंसिंग फिगर में। और इसी प्रकार से अब आप जो है टोटल सारी कैलकुलेशन होने के बाद बैलेंस शीट को बनाएंगे तो हमें प्रारूप के अनुसार जो चीज़ें पूछी गई थी वो चीज़ें हमें पता लगेंगी। हमें पूछा गया था कि क्रेडिटर्स गिवन है 60,000, कैपिटल जो है 20,000 अपन ने बैलेंसिंग फिगर में निकाला है, 20,000 जो है कैपिटल गिवन है, सॉरी कैपिटल गिवन है 20,000 रुपये, और लॉन्ग टर्म डेब्ट जो है वो बैलेंसिंग फिगर में निकाला है 40,000 रुपये, क्योंकि बैलेंस शीट का टोटल जो है 120,000 सेम आता है, इसलिए हम बैलेंसिंग फिगर में इसे ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से कैश अपन ने कैलकुलेट की अभी 48,740 रुपये, डेटर्स अपन ने कैलकुलेट किया 5,260 रुपये, इन्वेंट्री 36,000 रुपये और फिक्स असेट्स 30,000 रुपये है। टोटल ऑफ बैलेंस शीट जो है 120,000 है, बोथ साइड बराबर होता है, इसलिए बोथ साइड बराबर करके लॉन्ग टर्म डेब्ट जो है वो बैलेंसिंग फिगर में निकाला गया है। तो इस प्रकार से हम जो है किसी गैर निगमीय संस्था का भी लेखा अपूर्ण जो है या कोई फिगर मिसिंग है तो उनको रेशियो के माध्यम से कैलकुलेट कर सकते हैं। रेशियो वास्तव में किसी भी संस्था के स्थिति की, आर्थिक स्थिति के मूल्यांकन के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है, जिसकी आप गणना सूत्रों के एग्जैक्ट यूज़ करके कर सकते हैं। आगे भी इसी तरह के उदाहरण बेस्ड वीडियोस आपको दिए जाएंगे। अब जल्दी से आपको रेशियो समअप करके नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। वैसे रेशियो बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए इसको इजीली पूरा करवाना संभव नहीं होता है, लेकिन फिर भी मैंने एक प्रयास किया है ताकि आप लोग इसको आसानी से समझ सको। और आपको इसके लिए जो नोट्स भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं उन नोट्स को भी आप देखें, समझें, पढ़ें और उसके आधार पर आप उसको नोटबुक में नोट करें। और किसी भी प्रकार की कोई क्वेरी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में दें और डायरेक्ट भी बात कर सकते हैं। कोई भी तरह की प्रॉब्लम आप जो सॉल्व करवाना चाहते हैं वो आप जो है व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज छोड़कर, पर्सनल मैसेज छोड़कर या किसी और तरह से भी आप जो है अपनी क्वेरी को शांत कर सकते हैं। और आशा है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक रहा होगा। आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपको दिए जाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।